नहीं सोचा नया शहर है वो चंद्रशेखर आजाद है जो हमें तरक्की दिखा सकता है। मूंछों वाला ताव काम करा जाता है चंद्रशेखर आजाद। हमारी सपोर्ट जहाँ भी जाएगी वो जहाँ तक है बहन जी के लिए जाएगी। हम तो बहन जी को ही वोट दिए हैं, बहन जी को ही देंगे, बहन जी की सरकार आएगी। पर मेरे साथ एक युवा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि राजनीति में किस तरीके का उतार चढ़ाव देखना चाहते हैं और चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार। आपका पहले परिचय जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम अंशुल कुमार जी, मैं ग्राम बादलू जिला आगरा से हूँ। तो मैं अभी M.Com कर रहा हूँ, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो 2007 में और 2007 से 12 तक जो कार्यकाल रहा था उनका, तो उस कार्यकाल के दौरान ये हुआ था कि जितने भी मतलब जो भी दंगे फसाद हुआ करते थे, जातिवाद कास्टिज्म था जो, उसका जो उतार चढ़ाव मतलब जो इतनी सीमा बढ़ चुकी है आज बीजेपी की सरकार में कि जातिवाद बढ़ता चला जाए। आज हमारे गांव ग्राम बादलू में अभी लड़ाई हुई थी, तो उसमें SC/ST एक्ट का बहुत बोला था कि दुरुपयोग हो रहा है, पर दुरुपयोग हो रहा नहीं था, उसमें लड़ाई हुई थी। तो ऐसा हुआ था, अब ऐसा है कि जितने SC/ST OBC का जो आरक्षण है, जो SC को 21% मिलता है और OBC को 27% मिलता है, अभी शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है 3.8% OBC को दिया गया है, जो लखनऊ में अभी आंदोलन हुआ था, है ना। तो उसमें अब ऐसा है, अब पूरी धन्यवाद जय भीम नमो बुद्धाय। क्या लगता है दो उधर देखा जाए तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ में राजभर हैं, तो वहीं शिवपाल चचा हैं, इधर देखा जाए तो भाजपा और बसपा, अभी गठबंधन होना या ना होना भी हम तय नहीं कर सकते, लेकिन क्या लगता है भाजपा में भाजपा की वर्तमान में सरकार है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी। नहीं, भाजपा की एक चीज़ है जो हमारे लोग SC/ST OBC के जो लोग बैठे हैं भाजपा की सरकार में, जैसे SP सिंह मतलब जो भी SP सिंह बघेल हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, पर वो रह रहे हैं, अपना घर होता है। जैसे मान के चलो अपने घर में रह रहे हैं तो अपने अधिकार के हिसाब से अपनी बात कर सकेंगे, दूसरे के घर में आप अधिकार की बात नहीं कर सकोगे। क्या लगता है एकमात्र विधानसभा में इस बार कौन सा प्रत्याशी आपको जीता नजर आ रहा है? यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मामला दिख रहा है। पुलिस प्रशासन का जो कार्यकाल चल रहा है, जैसे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, क्या अलग अलग डिस्टेंस देखने को मिलता है तीनों नेताओं के कार्यकाल में? 2007 से 2012 की सरकार जो रही थी, मैं तो इतना समझदार नहीं था, जो मेरे मतलब जो बता रहे हैं, जो हमारे पूर्वज बताते हैं और माता पिता बताते हैं कि उनके कार्यकाल में जो पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर था, वो बहन मायावती के शासनकाल में इतना बेहतरीन था कि उसकी दुनिया तारीफ करती है कि बहन जी की सरकार दोबारा आती, पर बहन जी को इतना मतलब डिक्रीज किया गया दूसरों के द्वारा कि उनका कोई अस्तित्व मिटाने की बीजेपी ने, जैसे संविधान को मिटाने की बात की जा रही है कि आर्टिकल जैसे SC/ST एक्ट जो आपका 1989 में पारित हुआ था, और OBC का जो 27% आरक्षण का जो घोटाला है ना, और ST अभी SC/ST एक्ट के जो दुरुपयोग किए गए हैं, और अभी मान के चलो SC/ST एक्ट कहाँ से लग जाए, जबकि शायद मेरे ध्यान में आ रहा है कि वहाँ अगर मैं बात करूँ बहुजन समाज पार्टी की, तो भीम आर्मी जिसके चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है जो जाटव समाज है उसमें सेंध लगने वाली है इस बार? बिल्कुल लगेगी। मेरा मानना है कि अगर ASP और अगर BSP अगर एक हो जाएं तो शायद 2022 में वो होगा कि शायद सोचा ना जा सके। क्या लग रहा है दोनों चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगी विधानसभाओं में? अभी कहने को कुछ नहीं है, पर लगता है कि अलग अलग हो सकता है, पर उनका लेकिन आपका समाज किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा? हमारा जो युवा है, युवा वोटर भटकेगा, उसका मतलब दो मतलब भीम आर्मी की तरफ जाने को तैयार है युवा वोटर। आपका परिचय भैया? मेरा नाम रतनदीप है। किसको आप अपने समाज में किसको अपना नेता मानते हैं, भीम चंद्रशेखर आजाद को या बहन कुमारी मायावती जी? बहन कुमारी मायावती को, दोनों को मानते हैं, लेकिन जब दोनों ही विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तब आप किसको देखना पसंद करेंगे? क्या दोनों ही अपने प्रत्याशी उतारेंगे, भीम आर्मी भी अपने प्रत्याशी उतारे और बहुजन पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारे, तो आप किसको पसंद करेंगे? भैया को पसंद करेंगे, भैया को पसंद, चंद्रशेखर आजाद राम भी तो चंद्रशेखर आजाद जी चंद्रशेखर आजाद जो कहा जाता है कि जो दलित वोटर है वो मायावती जी के खेमे में जाया है, तो कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है कि सेंध लगने वाली है वोटरों में।
जी ऐसा होता है, देखो बोलते हैं लोग कि पहली सोच हमारी मायावती जी थी, अब जो नई सोच है, नया सवेरा, वो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो हमें तरक्की दिखा सकता है और हमें अच्छी ऊंची पोस्ट पे ले जा सकता है। हम उन दोनों में फ़र्क पैदा नहीं कर सकते। क्या एक अलग, मतलब दोनों लीडरों की क्या एक ऐसी जो बिंदु जो चंद्रशेखर आज़ाद को एक हाईलाइट करने में आपको चंद्रशेखर आज़ाद किस लिए अच्छे लगते हैं, उनकी एक क्वालिटी क्या है? उनकी वो क्वालिटी है कि आज जो हमें सम्मान मिल रहा है और जो हमारी मर्यादा अच्छी चल रही है, वो एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से है। आज हमें कहीं भी सम्मान मिल रहा है, जैसे हाई लेवल की और तुम्हारी, और जब काफ़ी मतलब ऐसा होता है कहीं झगड़ा हो गया, कहीं कोई केस हो गया, जहाँ सरकार काम नहीं करा सकती, वहाँ उनका एक मूछो वाला ताव काम करा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद। वो एक ऐसा, मतलब मूछो वाला ताव ही आपको पसंद आ गया है? यस बिल्कुल जी, मेरे को चंद्रशेखर आज़ाद की मूछो का ताव नहीं, उनका बोलने का स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका सारा कुछ पसंद है, क्योंकि वो सरकार नहीं कर सकती उस चीज़ को, वो करके दिखा सकते हैं। जो हमें हक सरकार नहीं दिला सकी, वो चार दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद ने बना के दिखाया। और भी मेरे साथ युवा हैं, बात करता हूँ मैं इनसे। जी आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव खांडा। जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को देखते हुए? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी आगे का कार्यक्रम होगा और इस सम्मेलन को देखते हुए, हमारी सपोर्ट जहाँ भी जाएगी वो जहाँ तक है बहन जी के लिए जाएगी। और रही चंद्रशेखर आज़ाद की बात, तो उनको अभी आने में टाइम लगेगा, इसलिए जहाँ तक है समझदार बंदों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने वोट को बांटें ना, इसलिए एक प्रत्याशी को ही वोट दें, दो भागों में वोट को ना बांटें। और भी साथ हैं जी, आपका परिचय? बॉबी कुमार, गांव खांडा। खांडा से आए हो आप जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं आज शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, सही चल रही है? सही तो चल रही है, मगर धंधे पानी खराब हैं सबों के। आपका धंधा क्या था? मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है? अभी बढ़ रही है मजदूरी, बढ़ रही है, 10-12 साल से वही मजदूरी है, महंगाई। क्या लगता है 2022 में सरकार को चेंज करना चाहते हैं? वो तो होगी, किसकी आनी चाहिए? मायावती जी की। मायावती जी की सरकार आ जाएगी तो मतलब मजदूरी बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी, सुनवाई तो होगी। हाँ चलो, और भी मेरे साथ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये दादा हैं, एक इनसे बात करते हैं। क्या परिचय दादा? क्या परिचय? खांडा के हैं महेंद्र सिंह, और जी ऊपर बसपा। हम तो बहन जी को ही वोट दिए हैं, बहन जी को ही देंगे, और बहन जी की सरकार आएगी। अच्छा हाँ, और भी मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हो? यहाँ सर्विस वगैरह ही आए हैं, अध्यक्ष हूँ, और कुछ नहीं, सर्विस वगैरह को वोट देके भी बनाए बस। युवाओं का कहना है कि लगातार जो मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के युवा थे, उन्होंने कहा है कि हमारा वोट चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन मायावती जी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ये लगता है कि वोट बटने की आशंका है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक की बात की जाए तो वो आज भी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो वहीं युवाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण की जो मूछों वाला ताव है, उन्हीं को पसंद करते हैं, उनका अंदाज ही लुभावना होता है। तो उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वो शख्सियत है जो दलित और ओबीसी के साथ में छेड़छाड़ करता है, और कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर उर्फ रावण उस मैदान में कूद पड़ते हैं, जिस मैदान में सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। तो जी हाँ, मैं इस समय आमलकेड़ा के सूरज फार्म में हूँ, जहाँ से मैं युवाओं के साथ बात कर रहा था। आप देखते रहिए YouTube चैनल काना के पन्ना के साथ, काना धनगर आगरा।